वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्रिकेट के कुछ शायकीन इस खेल को बल्लेबाजों का खेल कहते हैं, मगर कुछ कहते हैं नहीं जनाब, क्रिकेट बॉलर्स का खेल है, क्योंकि कुछ फास्ट बॉलर्स ऐसे होते हैं जिनके बाजुओं में दम और निशाने पक्के होते हैं, और इन खतरनाक बॉलर्स का सामना करते हुए अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी कांपते हुए नजर आते हैं। बैट्समैन का शिकार करने के लिए बॉलर के पास आउट स्विंग, इन स्विंग और यॉर्कर जैसे सब हथियार होते हैं, मगर यॉर्कर गेंद एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। इस गेंद को डालने की कोशिश तो हर बॉलर करता है, मगर बहुत कम ऐसे बॉलर हैं जो कि इस गेंद के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनियाई क्रिकेट के 10 यॉर्कर मास्टर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके यॉर्कर बैट्समैन के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं हैं। नंबर 10, वहाब रियाज। दोस्तों, वहाब रियाज पाकिस्तान के लेजेंड और साबिक फास्ट बॉलर हैं, जिनका शुमार पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में होता है। वहाब रियाज दुनिया के चंद उन फास्ट बॉलर्स में से एक हैं जो कि मुसलसल 150 की स्पीड से बॉलिंग करने की सलाहियत रखते हैं। उनका लंबा कद और पावरफुल एक्शन उनको यॉर्कर गेन करने में बहुत मदद करता है। उनके जानलेवा और तेज़ यॉर्कर के सामने बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको 2011 के वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन बॉलर माना जाता है, जहां उन्होंने भारतीय बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया था। वहाब रियाज को दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन यॉर्कर मास्टर्स में से एक माना जाता है। नंबर 9, उमर गुल। उमर गुल का शुमार क्रिकेट के ऐसे गेंदबाजों में होता है जो अपने ओवर की 6 की 6 गेंदें यॉर्कर करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने 2006 में अपने कैरियर का आगाज किया और बहुत ही कम अरसे में अपनी बॉलिंग से तबाही मचा दी और T20 फॉर्मेट में किसी भी बॉलर को आगे नहीं जाने दिया। 2009 का ICC T20 वर्ल्ड कप तो आपको याद होगा, जब उमर गुल ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी बॉलिंग का सिक्का मनवाया और एबी जैसे अजीम बल्लेबाजों को भी अपना शिकार बनाया। उनके जानलेवा यॉर्कर बल्लेबाजों को आउट होने पर मजबूर कर देते थे। यही वजह है कि उमर गुल T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं। वो काफ़ी अरसा T20 फॉर्मेट के दुनिया के नंबर 1 बॉलर भी रह चुके हैं। नंबर 8, ब्रेटली। ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड और साबिक फास्ट बॉलर हैं, जहां बल्लेबाज उनके तेज और जानलेवा बाउंसर से डरते थे, वहां ये खतरनाक यॉर्कर गेंद करके उनकी विकेटें उखाड़ फेंकते थे, और वो T20 क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले फास्ट बॉलर हैं। उनके तबाहकुन यॉर्कर बल्लेबाज का शिकार करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार माने जाते थे। यही वजह है कि ब्रेटली हमारी फहरिस्त में 8वें बेहतरीन यॉर्कर मास्टर बॉलर हैं। नंबर 7, मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इन्हें आज के दौर में क्रिकेट फील्ड का सबसे तेज़ और ख़तरनाक फास्ट बॉलर माना जाता है। उनके जानलेवा बाउंसर बल्लेबाजों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। मिचेल स्टार्क ने अपनी बॉलिंग से आजकल के नामवर बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा है। उनके तबाहकुन यॉर्कर बल्लेबाज का शिकार करने के लिए काफ़ी हैं। वो 160.4 किलोमीटर प्रति घंटा की बॉलिंग स्पीड के साथ मौजूदा दौर के वाहिद तेज तरीन बॉलर हैं। उनके तेज़ और इन स्विंग यॉर्कर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 6, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम का राइट आर्म फास्ट बॉलर है और वो अपनी टीम की तरफ से तेज बॉलिंग अटैक की क्यादत करता है। उनके खतरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये कई बार अपनी तेज गेंद से स्टंप्स के भी 2 टुकड़े कर चुके हैं। बुमराह का यॉर्कर गेंद पर इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि ये अपने ओवर में 6 की 6 गेंदें यॉर्कर कर सकते हैं। उनके पास टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यही वजह है कि इन्हें मौजूदा दौर का यॉर्कर किंग भी कहते हैं। नंबर 5,
डेल स्टेन। डेल स्टेन साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले एक बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, जिनका सामना करते हुए अच्छे अच्छे बल्लेबाज डरते थे। ये दुनिया क्रिकेट में 2356 दिन दुनिया के नंबर वन बॉलर भी रह चुके हैं, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनको इन स्विंग और रिवर्स स्विंग का मास्टर माना जाता था, लेकिन उनके यॉर्कर भी बैट्समैन के लिए किसी मुसीबत से कम न थे। उनके यॉर्कर की खास बात ये थी कि ये बेहतरीन स्पीड के साथ गेंद को हवा में स्विंग करते और यॉर्कर गेंद करके स्टेम्स को टुकड़े टुकड़े कर देते थे। यही वजह है कि इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक यॉर्कर मास्टर्स में से एक माना जाता है। नंबर 4, वसीम अकरम। वसीम अकरम पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर हैं। दुनिया इन्हें स्विंग के सुल्तान के नाम से जानती है, क्योंकि उनकी बेहतरीन बॉलिंग स्पीड के साथ जादुई स्विंग बॉलिंग बैट्समैन के लिए किसी खतरे से कम न थी। वसीम अकरम अपने इन स्विंग यॉर्कर से बड़े बल्लेबाज के पांव जख्मी कर देते और उनकी विकटें गिराकर उनको पिवेलियन की राह दिखाते। वसीम अकरम ने अपने कैरियर में 916 विकटें हासिल की। वो सबसे ज्यादा विकटें लेने वाले पाकिस्तान के वाहिद बॉलर हैं। उनका शुमार दुनिया के सबसे खतरनाक यॉर्कर मास्टर्स में होता है। नंबर 3, शुएब अख्तर। दोस्तों, शुएब अख्तर के नाम से तो आप ज़रूर वाकिफ होंगे, जिसको क्रिकेट फील्ड का सबसे खतरनाक दहशतगर्द फास्ट बॉलर माना जाता है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ग्राउंड में खेलने नहीं बल्कि बल्लेबाजों को जख्मी करने के लिए आते थे। शुएब अख्तर 161.3 किलोमीटर की घंटा की बॉलिंग स्पीड के साथ दुनिया के वाहिद तेज तरीन फास्ट बॉलर हैं। जहां बल्लेबाज शुएब अख्तर के जानलेवा बाउंसर से डरते थे, वहीं उनके यॉर्कर के चर्चे भी सरेआम थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने कैरियर में 400 से भी ज़ायद इंटरनेशनल विकटें हासिल की हैं। इनको दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक यॉर्कर मास्टर कहा जाता है। नंबर 2, वकार यूनस। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनस दुनिया के बेहतरीन यॉर्कर मास्टर्स में से एक हैं। वकार यूनस गेंद को स्पीड के साथ हवा में स्विंग करते और यॉर्कर गेंद करके बल्लेबाजों के पांव ही जख्मी कर देते थे। उनके खतरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपने कैरियर में 253 खिलाड़ियों को यॉर्कर गेंद पर बोल्ड आउट कर चुके हैं। वकार यूनस ने अपने कैरियर में 799 इंटरनेशनल विकटें हासिल की हैं, जो कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा हासिल की गई विकटों की बड़ी तादाद है। यही वजह है कि इनको दुनिया का सबसे खतरनाक यॉर्कर मास्टर बॉलर माना जाता है। नंबर 1, लासित मलिंगा। लासित मलिंगा श्रीलंका के साबिक फास्ट बॉलर हैं। उनके डेब्यू मैच के बाद क्रिकेट में कुछ लोग इन्हें विलन कहते थे और उनके बॉलिंग एक्शन को भी लोग तनकीद का निशाना बनाते थे, मगर इन सब बातों का जवाब मलिंगा ने अपनी बेहतरीन बॉलिंग से दिया और वो दुनिया क्रिकेट के हीरो बन गए। उनके खतरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मलिंगा अपने ओवर की 6 की 6 गेंदें यॉर्कर करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कई साल क्रिकेट में अपने यॉर्कर के दम पर राज किया। ये दुनिया क्रिकेट का वाहिद ऐसा बॉलर है जिसने सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स कर रखी हैं, इसीलिए तो दुनिया आज भी इन्हें यॉर्कर मास्टर के नाम से याद करती है। नाज़रीन, ये थे दुनिया के 10 बेहतरीन यॉर्कर मास्टर्स। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर क्रिकेट वीडियोज़।